हेलो बच्चों, 10वीं का ग्रामर का सेक्शन सी। देखो, अब मैंने इसे बोला हुआ था पहले वीडियो में, 10वीं के पहले वीडियो में। ये त्रैमासिक इंग्लिश का पेपर जो कि 7 तारीख को होना है, उसका ग्रामर वाला पार्ट है। इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट वाले मैंने पार्ट में आप लोगों को बता दिया था कि इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी और सेक्शन डी, है ना। इसमें क्या क्या कुछ चीज़ें आएंगी आपको, देखो यहाँ आपने ये देखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है क्लास 10th का सब्जेक्ट इंग्लिश, 80 नंबर का पेपर आएगा। ये सेक्शन ए आपने देख लिया फर्स्ट वीडियो में, सेक्शन बी जो है उसमें देख लिया, सेक्शन डी आपने देख लिया, सेक्शन सी का सॉल्यूशन मैंने कहा हुआ था कि सेक्शन सी का सॉल्यूशन मैं दूंगा। तो सेक्शन सी का जो सॉल्यूशन है ग्रामर का, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको बहुत ध्यान समझ लीजिए। सेक्शन सी 10 नंबर का आपको आएगा, है ना। 5 नंबर की ब्लैंक आएगी, 5 नंबर का डू रिएक्शन आएगा, 10 नंबर की ग्रामर आपको यहाँ पे आएगी। ग्रामर वाला पोर्शन सेक्शन सी होता है। देखिए यहाँ पे ग्रामर सेक्शन जो है सेक्शन सी है। क्या करना है इसमें, 7वां क्वेश्चन जो है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी फाइव। कोई 5 यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे मेरे ख्याल से 7 दिए होंगे शायद, देखिए 6 दिए हैं ना, 6 में से कोई 5 आपको यहाँ पे करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है देखिए क्या है ना, सी ब्लैंक्स हर होम वर्क डेली, टू डज या डिट का यहाँ पे प्रयोग करना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले ये मालूम कर लीजिए कि ये सेंटेंस जो है, जो सी ब्लैंक्स हर होमवर्क डेली, ये जो सेंटेंस है किस टेंस का है ना। 48 प्रकार, तीन टेंस हैं, तीन टेंस के 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस में 48 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कौन सा सेंटेंस है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसको, यदि आप समझ पाएंगे तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दी, और बिना हेल्पिंग वर्ब के 2 ही सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। तो ये जो सेंटेंस है इसका जो सेंस आ रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव आ रहा है, और यहाँ पे इस हिसाब से जो है डस का प्रयोग होगा, क्योंकि सी जो है यहाँ पे जो देखो, ये सी जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। डू और डज जो है, डू में जो है ये प्लूरल वर्ब होती है डू, और सिंगुलर सब जो वर्ब होती है वो कौन सी होती है, डज होती है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, डज का प्रयोग हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, डज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोहन डाइड फ्रॉम मलेरिया, मोहन डाइड फ्रॉम मलेरिया यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसके पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु यदि किसी बीमारी से बताया जाता है तो वहाँ पे फ्रॉम आर्टिकल का प्रयोग होता है। किसका, फ्रॉम, ऑफ का प्रयोग नहीं होता, जनरली आप ऑफ लगा देते हैं, ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी से यदि होती है तो वहाँ पे फ्रॉम आर्टिकल का प्रयोग होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या है। थर्ड क्वेश्चन जो है, स्टूडेंट्स ब्लैंक्स ओबे द टीचर्स, ओबे देयर टीचर्स, स्टूडेंट को, विद्यार्थी को अपने जो शिक्षक हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। शुड, मस्ट और आउट का प्रयोग यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मस्ट का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पे मस्ट हो जाएगा, स्टूडेंट्स मस्ट ओबे देयर टीचर्स, ठीक है, मस्ट का प्रयोग यहाँ पे। वैसे आउट टू का प्रयोग भी यहाँ पे, आउट का प्रयोग भी यहाँ पे हो सकता है, पर आउट का प्रयोग जो है 100% प्रबलता के लिए होता है। आउट का प्रयोग जो है 100% के लिए होता है, पर यहाँ पे आप जो है उसकी यदि 100% से कम प्रबलता है तो उसके लिए मस्ट का प्रयोग होता है, यहाँ पे मस्ट का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट, वैसे टीचर को अपने स्टूडेंट की बात बिल्कुल माननी चाहिए, पर बिल्कुल नितांत आवश्यक नहीं है, ठीक है। माता पिता की यदि बात होती तो वहाँ पे आउट टू का प्रयोग होता है, टीचर की बात है तो यहाँ पे मस्ट का प्रयोग हो जाता है ना, बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखो, 4th नंबर क्या है, ब्लैंक मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। तो आर्टिकल का यहाँ पे प्रयोग करना है, ए एन द आर्टिकल यहाँ पे आया तो इसके लिए क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो द है, मून जो है, मून जो है चंद्रमा एक ही होता है, जब एक लौती चीज़ होती है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, द का, द आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे करते, द यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, 5वां नंबर क्या है, श्याम इज ब्लैंक देन सोहन। तो देखो देन लगा हुआ यहाँ पे, आप समझ सकते हैं इसे, ये क्या है, कॉम्पिटिव डिग्री है, पॉजिटिव, कॉम्पिटिव, सुपर, 3 प्रकार की डिग्री होती है, तो पॉजिटिव डिग्री है, देन का प्रयोग होता है। तो पॉजिटिव डिग्री वर्ड कौन सा यहाँ पे देख लीजिए, टॉलर है, यहाँ पे क्या जाएगा, टॉलर। तो श्याम इज टॉलर देन सोहन, ऐसा हो जाएगा, श्याम सोहन से लंबा है ना, या श्याम सोहन की अपेक्षा तुलना में लंबा है, ऐसा। तो टॉलर का प्रयोग यहाँ पे टालिस नहीं होगा, यदि कॉम्पिटिव डिग्री होता तो टॉलिस्ट होता, और टाल जो है यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा टॉलर, है ना, ईआर लग करके जो है कॉम्पिटिव डिग्री बनता है, और जब भी कॉम्पिटिव डिग्री लगती है तो उसके बाद में देन शब्द का प्रयोग होता है। तो देन आपकी पहचान है, देन से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पे जो है कॉम्पिटिव यानी CD ने कॉम्पिटिव डिग्री का यहाँ पे क्या होना है, प्रयोग होना है, और कॉम्पिटिव डिग्री क्या है, यहाँ पर टॉलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6वां, रीता इज सिटिंग ब्लैंक राधा एंड कविता। दो लोग यहाँ पे आते हैं, जब दो लोगों के बीच में तीसरा आदमी बैठा होता है, दो लोगों के बीच में तीसरा व्यक्ति बैठा होता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एमोंग बिटवीन इन दिया, बिटवीन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिटवीन यहाँ पे आ जाएगा, रीता इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड कविता। तो इस तरह से जो है 6 क्वेश्चन है, कोई भी आपको 5 बनाना है, यहाँ पे बहुत ही ईजी और बहुत ही सरल क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8, डू इट डायरेक्टेड एनी 5, कोई 5 यहाँ से बनाना है, यहाँ पे 6 दिए हुए, कोई 5 यहाँ बनाना। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या है, आई डू माई होमवर्क इन टू चेंज नेगेटिव, क्या करना है इसको, नेगेटिव में चेंज करना है।
ठीक है, आई डू माई होमवर्क। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको ये जो डू है, ये डू हेल्पिंग वर्ब लग रहा होगा, बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे ये डू जो है वो मेन वर्ब के रूप में आया है, और ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। तो आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। यहाँ पे डू जो है करना, करना मतलब वर्ब है, तो इसका क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा आई, आई के साथ में डू हेल्पिंग वर्ब की, आई डू नॉट, कोई नेगेटिव बनाना है तो आई डू नॉट डू माई होमवर्क। देखिए आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, आई डू नॉट डू माई होमवर्क। यहाँ पे डू नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डू जो है हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, नॉट लग जाएगा, तो आई डू नॉट डू माई होमवर्क, ऐसा ये बन जाएगा। सेकंड वाला देखते हैं क्या है, चिल्ड्रन रीड बुक्स, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है इसका। आपके पास जो सेंटेंस आया वो एक्टिव वॉइस में इसको बनाना है, पैसिव वॉइस में। जब आपको लोगों को मालूम पता है कि एक्टिव वॉइस को जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है वो बन जाता है सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, आपका बुक्स पहले आ जाएगा, ठीक है, बुक्स, और क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, आर क्यों लगेगी, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है आपको वो किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, तो इसका क्या बन जाएगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेगा, तो बुक्स आर ऐसा आ जाएगा, बुक्स आर, और रीड का रीड ही रहेगा, क्योंकि देखो जब अपन वाइस बनाते हैं तो वाइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और रीड का थर्ड फॉर्म जो होता है रीड ही होता है, रीड रीड रीड, तीनों फॉर्म उसके वही होते हैं। तो बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन, बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन, ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, वाइस बन जाएगा। रिलेटिव सेंटेंस, रिलेटिव क्लास, सॉरी रिलेटिव क्लास, तो रिलेटिव क्लास कोई भी एक शब्द ले लेंगे यहाँ पे, रिलेटिव क्लास का बट एंड है ना, और जो भी है उसके माध्यम से यहाँ पे जोड़ना। क्या बोलता है, रोहन इज माई फ्रेंड, रोहन मेरा दोस्त है, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, वो जो रोहन है मतलब ही इज मतलब वह जो है लास्ट बेंच में बैठा। तो एंड का यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा, किसका प्रयोग हो जाएगा, एंड का, और क्या हो जाएगा, रोहन इज माई फ्रेंड एंड एंड ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, यहाँ पे एंड का प्रयोग हो जाएगा। बीच में क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे, और एंड लगा करके दोनों क्लास को जोड़ करके पूरा सेंटेंस बना लेंगे। यहाँ पे एंड क्या लग जाएगा, एंड, रोहन इज माई फ्रेंड एंड ही का जो है छोटा हो जाएगा एच ना, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, ऐसा बन जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, इट इज़ रेनिंग, चेंज इन टू द पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट इज़ रेनिंग दिया हुआ है ना, यहाँ पे काय में दिया हुआ है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में दिया है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है, इट हैज रेनिंग, ठीक है, इसके साथ में हैज का प्रयोग होता है, इट जो है सिंगुलर है, उसके साथ में क्या, सो हैज रेनिंग, ठीक है, क्या प्रयोग हो जाएगा, इट हैज रेनिंग, ठीक है, इट कैसा है सिंगुलर है, उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो जाएगा, इट हैज, यहाँ पे इज हट जाएगा, या जो इज है वो हट जाएगा, और क्या लग जाएगा, यहाँ पे हैज लग जाएगा, इट हैज रेनिंग सही प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पाछा वाला क्या है, इफ यू रन फास्ट, इफ यू इफ कैन कैच द ट्रेन, रीराइट रीराइट सेंटेंस अनलेस यूजिंग 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 अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, इफ के स्थान पर, ये इफ जो है उसके स्थान पर इसका प्रयोग करना है, अनलेस का प्रयोग करना है, तो आप क्या करेंगे, इफ को यहाँ से हटा देंगे, इफ के स्थान पर क्या लिख देंगे, अनलेस लिख देंगे, अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट, यहाँ पे ध्यान रखिए क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, क्योंकि यदि पहले का सेंटेंस कहते हैं, अनलेस का मतलब क्या होता है, इफ मतलब होता है यदि, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, ये तो यदि नहीं मतलब यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो बाद वाला सेंटेंस भी जो है, बाद वाला सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो क्या बन जाएगा, अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द ट्रेन, ठीक है, ऐसा सेंटेंस आपको बन जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है, छठवा क्वेश्चन जो है इसका, बनाना कोई पाँच है पर मैं छः आपको बता दे रहा हूँ ना, उषा रन्स वेरी फास्ट सी कैन विन द रेस, किसका प्रयोग करना है, सो डेट का प्रयोग यहाँ पे करना है, सो डेट का प्रयोग बहुत सिंपल होता है, यदि वेरी आता है तो वेरी को हटा दीजिए, इसके स्थान पे क्या लगा देंगे आप, वेरी को हटा करके क्या लगा देंगे, शो का प्रयोग कर देंगे, वेरी हटा के शो लगा दो, क्या बन जाएगा, है ना, उषा रन सो फास्ट, और दोनों सेंटेंस के बीच में, दोनों क्लास के बीच में क्या लग जाएगा, दैट का प्रयोग हो जाएगा, दोनों क्लास के बीच में क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा, तो उषा रन्स वेरी हटा दोगे और शो लगा दोगे उसके स्थान पर, फास्ट लगा दोगे उसके बाद, तो उषा रन्स सो फास्ट दैट, सी का एस कैपिटल जो एक कैपिटल है वो इस्तेमाल हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और ये यहाँ से जो डॉट है, ये फुल स्टॉप का डॉट है, ये हट जाएगा, यहाँ पे दैट लग जाएगा, सी का एस इस्तेमाल हो जाएगा, सी कैन, तो क्या बन जाएगा पूरा, उषा रन्स सो फास्ट दैट सी कैन विन द रेस, तो इस तरह से सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा, छः छः क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिए, बनाने पाँच पाँच है, इस तरह से आपका जो ग्रामर है 10 नंबर का बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा ग्रामर आपको आता है, ठीक है, यही ग्रामर आप लोगों को, ऐसी ही ग्रामर आप लोगों को आएगी, है ना, बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, तैयार कर लीजिए, थैंक यू, गुड लक।